नमस्कार दोस्त, शायद पहचान गए होंगे आप मेरे को। मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश शर्मा फ्रॉम अभिषेक हॉस्पिटल लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जयपुर से। मेरे पिछले कई वीडियोस आपने देखे होंगे, वो विभिन्न प्लास्टिक सर्जरी के सब्जेक्ट्स पे मैंने बोले हैं। आज मैं बोलना चाहूँगा चलने से उत्पन्न विकृतियों के इलाज के बारे में। आपको पता है कि जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है जिसे कहते हैं चिरंजीवी योजना या आम भाषा में जनाधार योजना, जिसे पहले भामाशाह योजना कहा जाता था। इसमें कुछ प्लास्टिक सर्जरी के ऐसे प्रोसीजर हैं जिनका इलाज बिल्कुल निशुल्क हो सकता है। उसमें खास तौर से एक बीमारी है पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर या जलने से उत्पन्न विकृतियां। जलने से उत्पन्न विकृतियां कौन सी होती है? कई बार एक्सीडेंटल बर्न, होमिसाइडल बर्न या सुसाइडल बर्न जो कि आवेश में आके वो हो जाता है और उसके बाद उसका इलाज चलता है। इलाज चलने में कई महीने जो हैं वो घाव नहीं बढ़ते हैं और गांव में या अनस्किल्ड गांव के डॉक्टर के पास जो कि स्किल्ड नहीं है, और कई बार PSC वगैरह में जाके वो एक दो बार पट्टी करा के और फिर वो घर पे ही पट्टी करते रहते हैं। उससे जोड़ जो हैं वो मुड़ जाते हैं या उनमें कॉन्ट्रेक्चर बन जाता है। खासतौर से जलने के बाद या कोई चोट लगने के बाद बड़ा घाव होता है, वो घाव दो तरह से भरता है। एक तो साइड से लेके, अगर गहरा घाव है तो साइड से कुछ घाव का बढ़ना शुरू होता है। दूसरा साइड की स्किन पर सिकुड़ने के कारण जो सिक्योरिटी होती है स्किन, उससे कॉन्ट्रेक्चर बनते हैं। तो जैसे होंठ नीचे आ जाएगा, गर्दन ऐसे रह जाएगी या गर्दन ऐसे रह जाएगी, या जो एक्जिला जैसे अपन कांख भी कहते हैं या अंडरआर्म कहते हैं, वो ऐसे चिपक जाएगी, एल्बो ऐसे रह जाएगी, या फिंगर सबसे ज्यादा फिंगर में होता है वो ऐसे मुड़ जाती है, हाथ कई बार बिल्कुल ऐसे मुट्ठी सा बना हुआ रह जाता है। और उनसे पूछो कि ये कैसे हुआ तो बताते हैं कि साहब धीरे धीरे घाव बढ़ गया, घाव बढ़ने के बाद हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब ये वो हो गया। ऐसे ही पैर में होता है और खास तौर से जो आगे की तरफ मुड़ने वाली जिसे फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर कहते हैं वो ज्यादा होता है। क्या करें क्या नहीं करें? पहली चीज तो जब भी कभी बर्न होता है या जल जाता है, जो खासतौर से आग से जलना या बच्चों में तो इवन पानी से जलने पे भी या करंट से जलने पे, इलाज ऐसी जगह पे करवाया जाए जहाँ प्लास्टिक सर्जरी का असिस्टेंस हो। और साथ के साथ घाव बढ़ने के लिए एट द टाइम ऑफ इंजरी 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन में उस पे खाल लग जाए या फ्लैप लग जाए तो, और सबसे मेजर चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है स्प्लिंटेज। जैसे गर्दन पे अगर बर्न हुआ है तो अगर आप छोड़ दोगे तो यूं रह जाएगी, तो उसमें नेक कॉलर लगाई जाती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिसे अपन सिंपल प्लास्टर कहते हैं वो लगाया जाता है। ऐसे ही फिंगर्स में, एल्बो में, एक्जिला में होता है। चलिए हमसे गलती हो गई, हमने ये नहीं किया। आज की तारीख में हर गांव में कई बच्चे, कई स्त्री, कई पुरुष ऐसे हैं जिनके जलने के कारण ये विकृतियां हैं। तो वो अगर राजस्थान को बिलोंग करते हैं और उनके पास जनाधार कार्ड है तो वो अभिषेक हॉस्पिटल आ सकते हैं, उनका इलाज पूर्णतया निशुल्क होगा। भर्ती रहने से छुट्टी होने तक कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपकी फैमिली में है, आपकी जान पहचान में है जो राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण या कई बार इग्नोरेंस के कारण कि ये इलाज होगा भी या नहीं होगा, उनको आप बता सकते हैं, वो आके मेरे से मिल सकते हैं,
मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश शर्मा। मेरा फोन नंबर है 9829013567 या आप लैंडलाइन पे भी फोन कर सकते हैं 01412625110। और आप यहाँ पधार भी सकते हैं, एड्रेस मैंने आपको बताया ही, गूगल पे भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अभिषेक हॉस्पिटल मोती डूंगी डालेंगे तो सबसे ऊपर वही आएगा, आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। आप मेरे से मेरे फेसबुक पेज अभिषेक हॉस्पिटल पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेंजर पे कर सकते हैं, अभिषेक हॉस्पिटल की वेबसाइट पे कर सकते हैं, कई तरीके हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो कृपया करके आप पधारें। नमस्कार, जय हिंद।